Hallelujah. Hallelujah. May the name of the God Almighty be glorified. सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम की महिमा हो. Greetings to all of you in the sweet and loving name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबका अभिवादन. Once again we all are gathered together in order to study God's word. एक बार फिर हम सब परमेश्वर के वचन सीखने के लिए एकत्रित हुए हैं. Let us thank God for enabling all of us to meet again through this Zoom platform in this manner. इस प्रकार Zoom के माध्यम से मिलने के लिए जो समय प्रभु ने हमें दिया है उसके लिए हम सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद दें. So let us continue our study which we have started yesterday. कल हम लोगों ने जिस विषय का अध्ययन शुरू किया था उस अध्ययन को हम लोग जारी रखेंगे. I hope most of you may remember what we studied yesterday. कल हम लोगों ने क्या क्या विषय देखा था. मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से अधिकांश लोग उन बातों को याद रखते हो. The topic we started studying is victorious Christian living. हमारा जो विषय हम लोगों ने अध्ययन शुरू किया उसका विषय था विजयी मसीही जीवन. Some basic concepts concerning that topic we studied yesterday in detail. हम लोगों ने विजयी मसीही जीवन से संबंधित कुछ साधारण सामान्य बातों को विस्तार से कल देखा था. I have given you some definitions and some clarifications. हम लोगों ने कल कुछ परिभाषाएं और कुछ स्पष्टीकरण बातों को देखा था. First we saw the meaning of the word Christian life. मसीही जीवन का अर्थ हम लोगों ने सबसे पहले देखा था. Based on Galatians 2:20, I told you, Christian life is the life that Christ lives in and through a Christian. गलतियों की पत्री 2:20 पर आधारित हम लोगों ने ये देखा था कि मसीही जीवन वो जीवन है जिसमें और जिसके द्वारा मसीह जीता है. That means we have to permit the Lord Jesus to live his life in and through us. तो इसका मतलब ये हुआ कि यीशु मसीह को हमारे जीवन में और हमारे जीवन के द्वारा जीने की अनुमति देना. And this life is a purposeful life. And what is the goal of Christian life? और ये जो जीवन है बहुत ही उद्देश्यपूर्ण जीवन है. और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? The very goal of Christian life is Christ himself or Christ likeness. और हमारे मसीही जीवन का लक्ष्य मसीह स्वयं है, अर्थात मसीह जैसे स्वभाव को अपने अंदर उत्पन्न करना. In Philippians 1:21, Paul has written, "For to me to live is Christ." That means his very goal of his existence and life is Christ himself. फिलिपियों की पत्री 1:21 में पौलुस कहता है, मेरे लिए जीना मसीह. तात्पर्य यह है कि पौलुस के लिए उसके जीने का मकसद यीशु मसीह था. Again in Romans 8:29, Paul has written, we all have been predestined to be conformed to the image of God's only begotten son. और रोमियों के पत्री 8:29 पद में भी हमें बताया गया है कि परमेश्वर ने हमें पहले से इसीलिए चुन लिया ताकि हम उसके इकलौते पुत्र के स्वरूप में ढलते चले जाए. The image of Christ means Christ likeness or character of the Lord Jesus. यीशु मसीह का स्वरूप मतलब यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह के समान होते जाना. And the character of Christ Jesus we see in the pages of the four gospels in the New Testament. और यीशु मसीह के स्वभाव को हम सुसमाचार के 4 किताबों में देख सकते हैं. But they are given in a capsule form in Galatians 5:22 and 23 as
द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। लेकिन उन सारे बातों को गलतियों की पत्री 5:22-23 पद में बहुत ही संक्षिप्त में हमें समझाया गया है, जहां उन स्वभावों को आत्मा के फल के साथ तुलना किया गया है। Then we saw a definition for victorious Christian living. और फिर हम लोगों ने विजयी मसीही जीवन का परिभाषा भी देखा। Victorious Christian life is the life that manifests more and more victory over the power of sin and Christ-likeness, more and more Christ-likeness as the days pass. विजयी मसीही जीवन का परिभाषा हम लोगों ने देखा कि ये जीवन वो जीवन है जिसके द्वारा पाप के सामर्थ्य के ऊपर विजयी, पाप के सामर्थ्य के ऊपर अधिक से अधिक विजयी और यीशु मसीह के स्वभाव को अपने अंदर उत्पन्न करने का एक जीवन है ये। In other words, we can claim that we are leading a victorious life only if we get more and more victory over the power of sin on one side and we manifest more and more Christ-likeness on the other side. और हम विजय मसीह जीवन को इस प्रकार भी समझ सकते हैं आसान भाषा में कि हम पाप के सामर्थ्य के ऊपर अधिक से अधिक विजयी पाते जाते हैं और साथ ही साथ हम अपने अंदर यीशु मसीह के स्वभाव को, अर्थात हम यीशु मसीह के समान बनते जाते हैं जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है। Just like a coin has two sides, victorious Christian life also has got these two sides. जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही विजय मसीही जीवन के भी यह दो पहलू है। On one side we are getting more and more victory over sin and on the other side positively we are showing the character of Christ more and more. एक तरफ जहां एक तरफ हम पाप के सामर्थ्य के ऊपर और अधिक से अधिक विजयी पाते जाते हैं, वहीं पर दूसरे हाथ में दूसरे तरफ हम यीशु मसीह के समान बनते जाते हैं। Practically speaking, we will be having more hatred to sin and more love to holiness or righteousness. तो व्यवहारिक रूप से देखें तो हम अधर्म के कामों से घृणा करके धर्म के कामों से अधिक प्रीति रखने लगते हैं। Later I gave you some clarifications about victorious Christian living. और फिर उसके बाद विजयी मसीही जीवन के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण मैंने आपको बाद में दिया था। One question often comes to our mind is victorious Christian life a sinless life or a life without any sin? जब हम विजयी मसीही जीवन जीने का बात करते हैं तो क्या हम ऐसा कहना चाहते हैं कि विजयी मसीही जीवन का अर्थ पाप रहित सिद्धता को हासिल करना है? Yesterday I told you sinless perfection is the character of God or the Lord Jesus Christ that we cannot achieve when we are here on earth. और मैंने आप लोगों को कल बताने का प्रयास किया कि पाप रहित सिद्धता ये केवल परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह का स्वभाव है, यीशु मसीह का चरित्र है, जिसे हम इस संसार में जीते हुए कभी भी हासिल नहीं कर सकते। I have explained 1 John 1:8-10 and prove this concept. और इस विचार को मैंने पहला यूहन्ना 1:8-10 के प्रकाश से आपको समझाने का प्रयास किया था। But again I told you, though we cannot become sinless, sin has to go less and less in our daily lives. और मैंने आपको ये भी बताने का प्रयास किया था कि यद्यपि हम पाप रहित नहीं हो सकते, तथापि हम हमारे दैनिक जीवन में तुलनात्मक कम से कम हमारे पाप की जो संख्या है, हमारे पाप करने का स्वभाव है, उसे हम जितना हो सके कम कर सकते हैं। By making that statement, I am not giving you a license to continue in sin. जब मैं कह रहा हूं कि हमें कम से कम पाप करना है, इसका मतलब मैं आपको कम पाप करने का अनुमति नहीं दे रहा हूं। Rather, I would like to highlight the point that when we grow
more and more to Christ likeness, the magnitude as well as the number of sins in our life will become less and less. मैं आपको इस माध्यम से ये समझाने का प्रयास कर रहा था कि हम जितने जितने ज्यादा हम यीशु मसीह के समानता में बनते जाएंगे, ढलते जाएंगे, हमारे जीवन से पाप की उतनी ही मात्रा कम होते जाएगी. To make this point clear, let me tell you an incident that happened long back. इस बात को समझाने के लिए मैं एक घटना को आपके सामने रखना चाहता हूं जो बहुत पहले घटा हुआ है. Once an youngster came to meet the pastor of a local church. एक बार एक व्यक्ति स्थानीय कलीसिया के पादरी महोदय से मिलने के लिए आए. Then he told him, "Sir, I was born and brought up in a non-Christian family, but later I heard the gospel and accepted Jesus Christ as my personal Lord and Savior, and now I am a saved person." और उन्होंने आकर के पादरी महोदय से कहा कि पादरी साहब, मैंने एक गैर विश्वासी गैर मसीही परिवार में जन्म लिया, लेकिन किसी एक समय में मैंने सुसमाचार पर विश्वास करके यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया और आज मैं एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हूँ. This youngster was totally a stranger to the pastor. Therefore, in order to confirm his testimony, the pastor asked a few questions. और ये जो व्यक्ति था पास्टर्स मतलब पास्टर इस व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं जानता था, इसीलिए उसके गवाही को सुनिश्चित करने के लिए पादरी साहब ने उस व्यक्ति से ये सवाल पूछा. पास्टर टोल्ड हिम, डियर फ्रेंड, यू क्लेम दैट यू आर अ सेव्ड पर्सन. पास्टर साहब ने कहा, पादरी महोदय ने कहा कि देखो मित्र, आप ये कहते हो, आप ये दावा करते हो कि आप उद्धार पाए हुए हो. What do you really mean by the phrase when you said you got saved? और उन्होंने पूछा कि जब आपने ये शब्द मतलब ये वाक्य कहे कि मैंने उद्धार पाया है, इस वाक्य का अर्थ क्या है? पादरी महोदय ने उनसे पूछा. Saved from what? आपको किस चीज से उद्धार मिला है? Then he said, "I am saved from sin." और उन्होंने कहा कि मुझे पाप से उद्धार मिला है. Then the pastor asked him, "Have you ever committed any sin after you got saved?" और फिर पादरी महोदय ने अगला सवाल उनके ऊपर दागते हुए पूछा कि उद्धार पाने के बाद क्या आपने कभी कोई पाप किया है? Then this youngster said, "Yes, pastor. Occasionally, I have committed a few sins." और फिर इस नौजवान ने उस पादरी महोदय से कहा कि हाँ जी पास्टर साहब, मैंने कभी कभी किसी किसी अवसर पर पाप किया है. Then the pastor asked him, "Then how can you say that you are saved from sin?" और फिर पास्टर साहब ने उससे पूछा कि आप फिर कैसे कह सकते हो कि आपका पाप से उद्धार हो चुका है? Before your salvation, you have been committing sin. Even now, you commit sin. क्योंकि उद्धार से पहले भी आप पाप करते थे, उद्धार के बाद भी तो आप पाप ही कर रहे हो. Then how can you say that you are a believer or a saved person? तो आप कैसे कह सकते हो कि आप एक विश्वासी हो या उद्धार पाए हुए व्यक्ति हो? This youngster thought for a second, then he told like this. इस नौजवान ने कुछ देर सोचा और सोच करके इस प्रकार जवाब दिया. Dear pastor, there is a big difference in my life before my conversion and after my conversion. मेरे उद्धार पाने, मेरे मन फिराने के पहले के जीवन और मेरे मन फिराने के बाद के जीवन में बहुत बड़ा एक अंतर है. Before salvation, I used to run after sin in order to commit sins and enjoy sins. उद्धार पाने से पहले, मन फिराने से पहले पाप का आनंद उठाने के लिए मैं पाप के पीछे भागा करता था. But today, every day, I am trying to run away from sin and I am running towards holiness. और आज के तारीख में मन फिराने के बाद अब मैं पाप से दूर पवित्रता की ओर भागने का प्रयास करता हूँ. Sometimes I may slip and fall, but again I will get up and continue my running.
कभी कभी मैं पाप में गिर जाता हूं, कभी कभी कमजोर पड़ जाता हूं, लेकिन फिर भी मैं उठता हूं और फिर पवित्रता की ओर दौड़ना आरंभ करता हूं। This is the difference between my past life and the present life. मेरे अतीत का जीवन और मेरे वर्तमान के जीवन में यह सबसे बड़ा अंतर है। When the pastor heard this brilliant answer, he didn't ask him anything further. He told him, "My dear friend, next Sunday you can come and join with us for worship service." जब इन्होंने, जब पास्टर साहब ने, जब पादरी महोदय ने इस जवाब को सुना, तो वो उनके जवाब से मंत्र मुग्ध होकर के उन्होंने उस नौजवान से आगे कोई सवाल किए बिना उनको अनुमति, उनको निमंत्रण देते हुए कहा कि भाई आप अगले सप्ताह से आकर के हमारे साथ संगति कर सकते हैं। Beloved, this incident shows us the meaning of hatred to sin and loving righteousness. और ये जो घटना है हमें ये समझने के लिए मदद करेगा कि अधर्म के कामों से घृणा करना है और धार्मिकता के कामों से प्रीति रखना है। All these things we studied yesterday. ये सारी बातें हम लोगों ने कल देखा था। Now let me go to the next subject. अपना अगले बिंदु की ओर बढ़ना चाहता हूँ। Characteristics of victorious Christian life. विजयी मसीही जीवन के विशेषताएं। Signs or characteristics. विशेषताएं, विजयी मसीही जीवन के विशेषताएं। There are many characteristics, but I would like to bring into your attention only two of them. बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन मैं सिर्फ दो विशेषताएं आपके सामने लेकर के रखना चाहता हूं। First of all, victorious Christian life is a fruitful life or an abundant life. सबसे पहले तो विजयी मसीही जीवन बहुतायत का और एक फलवंत जीवन है। Please observe these words, abundant life and fruitful life. तो इन बातों को आप जरा गौर कीजिएगा, बहुतायत का जीवन और फलदायक जीवन। Let us turn our attention to two passages in John's Gospel. यूहन्ना रचित सुसमाचार के दो अंशों की तरफ हम हमारा ध्यान करेंगे। Both are the words of Lord Jesus. दोनों हमारे प्रभु यीशु मसीह के वाक्य है, शब्द है। John's Gospel chapter 10 verse 10, the second part. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय का 10वें पद का दूसरा भाग। The Jesus says, "I have come that they may have life, they may have it more abundantly." वहाँ यीशु मसीह कहता है कि मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। Jesus told his disciples that the purpose of his coming is not just to give them life, rather than abundant life. और यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया कि उनके आने का मकसद केवल लोगों को जीवन देना नहीं है, बल्कि बहुतायत का जीवन देने का है। What is the difference between life and abundant life? जीवन और बहुतायत का जीवन, दोनों में क्या अंतर है? Let me explain it with respect to our normal physical life. हमारे स्वाभाविक दैनिक जीवन के प्रकाश से मैं इस बात को समझाने का प्रयास करता हूँ। Remember, this is only an illustration. So when you derive application from illustration, you have to be a little bit careful also. और ये सिर्फ एक उदाहरण है आप लोगों के लिए, और जब उदाहरण से हम कुछ व्यवहारिक बातें सीखने का प्रयास करते हैं तो हमें थोड़ा सावधान रहना जरूरी है। You just imagine like this, you go to visit a patient who is in the hospital who is in a critical condition. अब जरा सोचकर, जरा मानकर चलिए कि आप ऐसे एक मरीज से मुलाकात करने जा रहे हैं जो अस्पताल में बहुत ही गंभीर अवस्था में पड़ा हुआ है। Let us assume that he is an old man and he is in a critical condition. Anyway, not because of COVID. और जरा मान के चलिए कि वो जो मरीज है जिससे हम मुलाकात करने जा रहे हैं वो काफी बुजुर्ग अवस्था में है और बुजुर्ग अवस्था में है। Okay, when you go there, you see that person lying on the bed, many tubes attached to his nostrils and mouth, and many machines attached to his body. और आप जब वहां जाएंगे तो आपको पता चलेगा, आप देख पाएंगे कि बहुत सारे यंत्र और बहुत सारे
बहुत सारे पाइप्स वगैरह उसके शरीर में लगे हुए हैं. He has no movement, no speech. He is not opening his eyes. उसमें उनके शरीर में कोई भी हलचल नहीं है, वो कोई गतिविधियां नहीं दिखा रहा है. And let me ask you a question. और ऐसे अवसर पर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ. Is this person alive or dead? अब वो व्यक्ति मरा हुआ है या जीवित है? Remember, he does not speak. His eyes are closed. There is no movement on his body. And what do you think about this man? तो जरा गौर कीजिएगा उसके अवस्था के लिए. अवस्था उसकी आंखें बंद है, वो बातें भी नहीं कर रहा है और उसका शरीर हिल भी नहीं रहा है और डुल भी नहीं रहा है. ऐसे व्यक्ति के विषय में आप क्या कहेंगे? Is he alive or dead? क्या वो जीवित है या मर चुका है? He may appear to be a dead person, but we all know that he is still alive. और वो उसके उस अवस्था को देख करके हमें ऐसा प्रतीत हो सकता है कि वो मर चुका होगा, लेकिन How do we know that he is alive? हमें कैसे पता कि वो जीवित है? If he is not alive, he will not be there on the bed of the hospital. They should have transferred him to mortuary. वो हमें ऐसे मालूम होगा क्योंकि यदि वो बुजुर्ग व्यक्ति मर चुका होता तो वो अस्पताल के पलंग में ना पड़ा हुआ होकर अस्पताल के मोर्चरी विभाग में पड़ा हुआ होता या उन्हें वहां पर भेज दिया जाता. Since he is on the bed of the hospital, we know that he has some life. अब इसीलिए कि वो अस्पताल के पलंग पर लेटा हुआ है और अस्पताल के वार्ड के पलंग पर लेटा हुआ है तो हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि वो जीवित है. So this is one scene. Now let us think about another scene. अब ये एक दृश्य था. अब दूसरे दृश्य के बारे में जरा चिंता कीजिए. Think about Indian cricket team celebrating their victory. हमारा भारतीय क्रिकेट टीम अपना विजय का उत्सव मना रहे हैं. A group of youngsters celebrating their victory. जवानों का एक टोली अपनी जीत के जश्न मना रहे हैं. How do they celebrate it? कैसे वो अपना जीत का जश्न मनाएंगे? They may be shouting, jumping, hugging each other and lifting up one another. In this way, they celebrate their victory. वे लोग अपनी जीत का जश्न को कूदते हुए, उछलते हुए, गले लगाते हुए, एक दूसरे को ऊंचा करते हुए, ऐसे वो अपने जीत का जश्न मनाएंगे. What do you think about this cricket team? Do they have life? आपको क्या लगता है, ये जो जवानों का टोली है, जो क्रिकेट का टीम है, जो जश्न मना रही है, क्या ये लोग जीवित है? When you hear this question, you may think like this, what a foolish question I am asking. और जब आप इस सवाल को, इस दृश्य को चित्रित करेंगे और जब इस सवाल को सुनेंगे तो आपके मन में आएगा कि कैसा बेवकूफ भरा सवाल हमसे पूछ रहा है. Yes, they also have life. देखो उनमें भी जीवन है. Then what is the difference between that old man on the hospital bed, and the cricket team celebrating their victory? अस्पताल में पड़ा हुआ वो व्यक्ति और क्रिकेट जीतने के बाद जश्न मनाने वाला वो टोली, उन दोनों के जीवन में क्या अंतर है? The old man has life, but the cricket team has abundant life. अब जो बुजुर्ग व्यक्ति अस्पताल में पड़ा हुआ है उसके पास जीवन है, लेकिन जश्न मना रही वो क्रिकेट की टीम, उनके पास बहुतायत का जीवन है. In the same way, there is a difference between spiritual life and abundant spiritual life. और उसी प्रकार आत्मिक जीवन और आत्मिक बहुतायत का जीवन में अंतर है. Now let me give you an illustration from the assemblies in Kerala. हम केरला के कलिसियाओं से कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ. That may be true with your assemblies too. और ये बातें शायद आपके कलिसिया से भी संबंधित होगी. In Kerala, many assemblies are very large assemblies having the membership of 300 and 400. केरला में ऐसे बहुत सारे कलिसिया हैं जो कि काफी बड़े हैं, जिसमें 300-400 सदस्य लोग हैं. One problem of these large assemblies is this. ये बड़े बड़े कलिसियाओं का एक जो समस्या है वो ये है. If you go there on one Sunday, you can see a few brothers who are sitting in the front rows
are doing all the ministries, and most of the brothers sitting in the back row are almost silent throughout the meeting. और आप एक बात देख पाएंगे कि यदि आप ऐसे बड़े बड़े कलीसियाओं में जाते हो तो सामने बैठे हुए कुछ विश्वासी लोग आराधना से संबंधित सारे काम करते हैं, जबकि पीछे बैठे हुए जो भाई लोग हैं वे कुछ भी नहीं करते हैं, बिल्कुल निष्क्रिय रूप से वहां बैठे रहते हैं। But remember, all these brothers are coming and attending the worship service regularly on all Sundays. लेकिन इस बात को आप ध्यान रखना कि ये सारे विश्वासी नियमित रूप से हर रविवार को परमेश्वर की आराधना करने के लिए कलीसिया भवन में आते हैं। They all are believers. सभी विश्वासी हैं। But most of the time they are keeping quiet. लेकिन अधिकांश समय वे लोग बहुत ही शांत रहते हैं। They need not sing a song because there are so many others to sing songs. अरे बहुत लोग हैं गीत गाने के लिए, इसलिए उन लोगों को गीत गाने की कोई आवश्यकता नहीं है। Even by mistake they won't say any praise the Lord or amen. और गलती से भी वे लोग आमीन और जय मसीह की वो भी नहीं बोलते हैं। So almost all the time they are keeping quiet. तो अधिकांश समय वे लोग शांत रहते हैं। But I have to be gracious to them. But for two occasions they will open their mouth. मुझे उन लोगों के प्रति थोड़ा दयालु होना चाहिए, थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि कम से कम दो बार, दो मर्तबा वे लोग अपना मुंह खोलते हैं। Do you know when they open their mouth? मालूम है कब वे लोग अपना मुंह खोलते हैं? One for eating bread and the other one for drinking wine. कम से कम रोटी में से भाग लेने के लिए और कटोरे में से भाग लेने के लिए वे अपना मुंह जरूर खोलते हैं। What do you think about them? They also claim that they have life or eternal life. और आप ऐसे लोगों के बारे में क्या सोचते हो? उनके पास भी जीवन है, अनंत काल का जीवन है। Anyway, they may have life, but they don't have abundant life. देखो, संसार में रहते हुए उनके पास जीवन तो है, परंतु बहुतायत का जीवन नहीं है। But if a person has abundant life, how can we know it for sure? अब अगर किसी के पास बहुतायत का जीवन है तो हमें कैसे मालूम होगा, हमें कैसे ज्ञात होगा कि उसके पास बहुत आयत का जीवन है? I don't mean that those who are having abundant life should always shout and jump and make noise. मेरा कहने का बिल्कुल भी ऐसा अर्थ नहीं है कि जिनके पास बहुत आयत का जीवन है वे कूद कूद कर लोगों को बताए, उछल उछल कर लोगों को बताए कि मेरे पास बहुत आयत का जीवन है। If a person has abundant life, that will be shown in his character and He will show the fruit of the Spirit more and more in his daily life. अगर किसी के पास बहुत आयत का जीवन है तो ये उसके स्वभाव से, उसके चरित्र से पता चलेगा और वो उन बातों को या उस बात को आत्मा के फल के द्वारा अपने स्वभाव में शामिल करेगा, अर्थात आत्मा के फल को अपने जीवन से प्रकट करेगा। Let me give you two more references from John's Gospel. You can read and meditate it later. I am not explaining it. योहन्ना रचित सुसमाचार से दो और अंश को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसे आप बाद में पढ़ सकते हैं। John's Gospel 15, verse 8 and 16. योहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वें अध्याय का 8 और 16 पद। There Jesus says, I have appointed you that you may bear fruit and you have to bear much fruit. और वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैंने तुम्हें फल लाने के लिए नियुक्त किया है और फल भी बहुत आयत का फल। That means if our life is an abundant one, we have to produce the fruit of the Spirit in our lives. तो कहने का मतलब अगर हमारे पास बहुत आयत का जीवन है तो हमारे बहुत आयत के जीवन से आत्मा के फल प्रकट होने चाहिए। So this is one of the characteristics of victorious Christian living. और ये जो बातें हैं, फल लाने का बातें या फलदायक होना, ये विजयी मसीही जीवन का एक विशेषता है। The second one is victorious Christian life would be a progressive one or a growing one. दूसरा जो विशेषता है विजयी मसीही जीवन का, वो है बढ़ने वाला, उन्नति करने वाला जीवन है। By spiritual growth, we mean we are becoming
more and more like Jesus. आत्मिक उन्नति के द्वारा हम ये समझते हैं कि हम यीशु मसीह के स्वरूप में दिन ब दिन ढलते चले जा रहे हैं. And there should be a progress in our lives. हमारे जीवन में उन्नति होनी चाहिए, बढ़ोतरी होनी चाहिए. The Bible commands us to run our race, spiritual race, steadfastly. और बाइबल हमें बताती है कि हमें दृढ़ता के साथ हमारे आत्मिक जीवन के इस दौड़ को दौड़ना है. Let me explain that also with an illustration. एक उदाहरण के साथ मैं इस बिंदु को भी समझाना चाहता हूँ. We all know that Indian railways always prepare a timetable or schedule for each and every train. हम जानते हैं कि हमारा भारतीय रेलवेज हर ट्रेन के लिए, हर रेलगाड़ी के लिए एक नियमित समय, एक नियुक्त समय बनाती है. There will be a starting station and there will be a destination. रेलगाड़ी का उद्गम होगा और उसका गंतव्य स्थान होगा. In between there may be many many stations. और उद्गम और गंतव्य स्थान के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे रेलवे स्टेशन भी आएंगे. And railway decides in advance the time of reaching every station. और ट्रेन रेलगाड़ी के निकलने से पहले ही भारतीय रेलवे पहले से ही समय नियुक्त कर देते हैं कि फलाने स्टेशन में ये रेलगाड़ी कब पहुंचेगी. सो व्हेन कैन वी से ए ट्रेन कंप्लीटेड इट्स जर्नी सक्सेसफुली. तो हम कब कह सकते हैं कि इस रेलगाड़ी का यात्रा सफल हो गया या यात्रा पूरा हो गया है. If the train starts from the original station at the right time and reaches all other subsequent stations in the right time and finally it ends at the original station, the destination at the right time, we can say it successfully completed its journey. अगर कोई भी एक रेलगाड़ी अपने उद्गम स्टेशन से सही समय पर निकलकर उसके बाकी के सारे छोटे छोटे स्टेशनों पे सही समय पर पहुंचते हुए अपने गंतव्य स्थान तक जब सही समय पर पहुंच जाएगा तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि इस रेलगाड़ी का यात्रा समाप्त हो गया है. Did you understand my illustration? और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये उदाहरण समझ में आ रहा होगा. Though I gave you some simple illustrations, don't forget this. Through the simple illustrations, I am trying to drive in certain deeper spiritual truths. अब हालांकि मैं ये बहुत ही मामूली और बहुत ही साधारण उदाहरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, तथापि आप ये बात न भूलिएगा कि इन साधारण उदाहरणों के द्वारा मैं आपको गहरी और गूढ़ बातें, आत्मिक बातें बताने का प्रयास कर रहा हूँ. Okay, railway has prepared a timetable or schedule in advance. रेलवे, भारतीय रेलवे ने पहले ही एक रेलगाड़ी का समय नियुक्त कर दिया है. And each train is supposed to travel by this schedule. और हर एक रेलगाड़ी को अपने दिए गए समय अनुसार यात्रा करनी है. But what about our trains? Do they travel in time or reach stations in time? लेकिन हमारे रेलगाड़ी के संबंध में हम क्या कह सकते हैं? क्या हमारा गाड़ी सही समय पर चल रहा है? Many time we know that our trains are running late. लेकिन हम अक्सर जानते हैं कि हमारे जो रेल है, हमारे जो रेलगाड़ियां हैं, वो देरी से चलते हैं. Usually railway will announce the late timing only in minutes, not in hours. और अक्सर ऐसे होते हैं कि ये जो रेलवेज में देरी का जो समय है वो मिनट में बता करके घंटों में नहीं बताते हैं. Once a man went to the railway station in order to catch a train. एक दिन ऐसे हुआ कि एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन रेलगाड़ी में चढ़ने के लिए या रेलगाड़ी का सफर करने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचा. He took the ticket and waited in the platform. और उन्होंने टिकट ले लिया और प्लेटफॉर्म में इंतजार करने लगा. Then he heard the announcement that his train is coming within 10 minutes. और उन्होंने ये घोषणा सुना, ये अनाउंसमेंट सुना कि उनका जो निर्धारित ट्रेन है वो 10 मिनट में आने वाली है. He was so surprised because that is the right time, exact time. और वो इस
अनाउंसमेंट को सुनकर के काफी ताजुब हुआ, क्योंकि 10 मिनट में अगर ट्रेन आ जाती है तो वो उस ट्रेन का बिल्कुल सटीक समय है। He was so happy, he went to the station master's room and told him, sir, I am really happy that nowadays railways are very punctual and its performance is excellent. और जब उन्होंने इस बात को सुना, इस घोषणा को सुना, तो वो तुरंत स्टेशन मास्टर के पास गए और उनको कहा, उनको बड़े खुशी के साथ कहा कि मास्टर साहब, हमें बड़ी खुशी हुई है कि ये जो आजकल हमारा ट्रेन बिल्कुल सही समय पर चल रही है। Then the station master said, "Sorry, sir, this is yesterday's train, 24 hours late." और फिर स्टेशन मास्टर ने उनको जवाब देते हुए कहा कि माफ कीजिएगा साहब, ये जो ट्रेन अभी आ रही है, ये ट्रेन आज का नहीं बल्कि कल का ट्रेन है, ये 24 घंटे लेट चल रही है। Today's train will be many hours late. और आज का जो ट्रेन है, आपका जो ट्रेन है, वो काफी लेट हो जाएगा। Anyway, they use a term called running late. Running late. और वे लोग क्या करते हैं, ये जो रेलवे रेलवे में जब गाड़ी देरी से चलती है तो वे लोग देरी का जिक्र करते हैं। But let me tell you, in our Christian lives also, we often run late. और हमारे आत्मिक जीवन में भी अक्सर हम लोग देरी से चलते हैं। God has prepared a schedule for our spiritual growth at the time of our conversion. हमारे उद्धार के समय में परमेश्वर ने हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी एक समय सारणी बना के रखा है, एक समय नियुक्त करके रखा है। God expects each one of us to grow a specific level or a particular level each year and grow like that in the coming days too. परमेश्वर हमारे जीवन से, हमारे आत्मिक जीवन से ऐसा उम्मीद करता है कि हम हर साल एक स्तर तक हमें बढ़ते चले जाना है। But do we rise up to God's expectation every year? क्या हम परमेश्वर के उन उम्मीदों पर हर साल खरा उतरते हैं? Many a time the answer is no. और अक्सर इस सवाल का जवाब हम ना में देंगे। So just like the trains, we also run late. हमारे भारतीय रेलवे के समान ही हम भी हमारे आत्मिक जीवन में देरी से चलते हैं। In biblical terms, it is called backsliding. और आत्मिक भाषा में या फिर बाइबल के भाषा में देखे तो हम इसे backsliding, अर्थात विश्वास में पिछड़ जाना हम कह सकते हैं। Believer, don't think that when a person backslides, he commits some serious sins and go away from fellowship. जब कोई विश्वास में पिछड़ जाता है या विश्वास में कमजोर हो जाता है, भाइयों, इसका मतलब कदापि यह नहीं है कि उसने एक बहुत जघन्य अपराध किया है। When we are not growing up to God's expectation, we all are backsliders. जब हम परमेश्वर के उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते, परमेश्वर के बताए हुए उस स्तर तक नहीं पहुंचते हैं, हम सब अपने अपने आत्मिक जीवन में विश्वास में पिछड़ जाते हैं। On the other hand, a victorious Christian life is a progressive one, making progress according to God's timetable. विजयी मसीही जीवन जो है वो बढ़ोतरी का जीवन है, तात्पर्य परमेश्वर द्वारा तैयार किए गए हमारे आत्मिक समय सारणी का पालन करते हुए सही समय पर बढ़ते चले जाना। Yes, we have seen two characteristics of victorious Christian life. हम लोगों ने हमारे विजयी मसीही जीवन के दो विशेषताओं को देखे हैं। First of all, it would be an abundant one. सबसे पहले तो ये जीवन, विजयी मसीही जीवन, बहुतायत का जीवन है। Secondly, we saw that it is a progressive one or a growing one. और दूसरा हम लोगों ने देखा कि ये उन्नति, ये बढ़ोतरी का, ये बढ़ने वाला जीवन है। Okay, let me move to the next subtitle. मैं अपना अगला बिंदु की तरफ आगे बढ़ना चाहता हूँ। Most of my titles are questions, and I use a question-answer format. और मेरा अधिकांश जो बातें हैं, जो बिंदु है, वो सवाल के माध्यम में हैं, और मैं अक्सर प्रश्नोत्तरी का तरीका अपनाता हूँ। The title is this: Is it possible to be victorious in our daily lives? अब सवाल जो है वो ये है कि हमारे दैनिक मसीही जीवन में विजय हासिल करना संभव है या नहीं।
many people think that victorious Christian life is a good topic to be studied in camps and conferences or Zoom meetings. कई लोगों का मानना है कि बड़े बड़े शिविर में बड़े बड़े महासभाओं में ये विजयी मसीही जीवन का अध्ययन करना अच्छा है But to lead a victorious Christian life is not possible. लेकिन विजयी मसीही जीवन जीना संभव नहीं है Is it possible to lead a victorious Christian life here on earth? लेकिन इस संसार में रहते हुए विजयी मसीही जीवन जीना क्या संभव है If I ask that question to each of you personally, अगर मैं यही सवाल आप में से हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से पूछूं, I think many of you would say a no answer, would give me a no answer. तो अधिकांश लोग आप में से अधिकांश लोग मुझे ना में जवाब देंगे It is because when we look at ourselves and when we consider our past experiences, we may feel like giving a no answer. क्योंकि जब हम अपने जीवन को परख करके देखते हैं और जब हम हमारे बीते हुए उपलब्धियों को बीते हुए जीवन को जब टटोल कर देखते हैं तो हम ना में ही इस सवाल का जवाब देंगे बट रिमेंबर आवर आंसर शुड नॉट बी बेस्ड ऑन आवर फीलिंग्स और आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस रादर इट शुड बी बेस्ड ऑन द फैक्ट्स रिवील्ड इन गॉड्स वर्ड अब इस बात को ध्यान रखना कि इस सवाल का जवाब हमारे महसूस करने की क्षमता पर या हमारे हमारे भावनाओं के ऊपर और हमारे उपलब्धियों के ऊपर निर्भर ना हो करके परमेश्वर के वचन पर आधारित होना चाहिए इन लाइट ऑफ गॉड्स वर्ड और द प्रोमिसेस इन गॉड्स वर्ड वी ऑल कैन से कॉन्फिडेंटली दैट इट इज पॉसिबल टू लीड अ विक्टोरियस लाइफ हियर ऑन अर्थ परमेश्वर के वचन के प्रकाश से हम बड़े ही दावा के साथ कह सकते हैं कि इस संसार में रहते हुए विजयी मसीही जीवन जीना संभव है All of you, please turn your attention to a portion in the New Testament. नया नियम के एक अंश की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं I will give you two or three promises of victorious living from the New Testament. नया नियम में से नए नियम में से कुछ दो तीन बातों को प्रतिज्ञा की बातों को मैं आपके सामने लाकर रखना चाहता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर 2 Corinthians 2:14 सबसे पहले दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उसका 2:14 ऑफ कोर्स हियर पॉल शेयर्स दैट हिज टेस्टिमनी ऑफ हिज लाइफ एंड मिनिस्ट्री टुगेदर यहां पर प्रेरित पौलुस अपने जीवन और अपने गवाही दोनों को हमारे सामने रखता है All of you have to by heart that verse. That's a very beautiful verse. अब ये जो पद है दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 2:14 बहुत ही खूबसूरत पद है और मैं अनुरोध करूंगा कि आप सब इन पदों को या इस पद को कंठस्थ कर ले Many truths can be learned from that small verse. और उस छोटे से पद में से कई सच्चाइयां कई वास्तविकताओं को हम सीख सकते हैं जान सकते हैं इन इंग्लिश वी रीड लाइक दिस नाउ थैंक्स बी टू गॉड हु ऑलवेज लीड्स अस इन ट्रायंफ इन क्राइस्ट एंड फाइनली दैट वर्ड्स एंड्स अप बाय द वर्ड इन एवरी प्लेस और 2:14 का शुरुआत होता है परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अंत में उस पद का अंत हर जगह से होता है आई थिंक इन हिंदी एंड इंग्लिश इट बिगिंस विद द फ्रेज नाउ थैंक्स बी टू गॉड और परमेश्वर का धन्यवाद हो परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो yes. अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी ऐसे ही शुरुआत है हियर पॉल गिव्स थैंक्स टू गॉड यहाँ पर प्रेरित पौलुस परमेश्वर को धन्यवाद देता है When do we give thanks or say thanks to others? जब कब हम अन्य लोगों को धन्यवाद देते हैं When we receive something from them. जब हम उनसे कुछ प्राप्त करते हैं तभी हम उन्हें धन्यवाद देते हैं Here Paul gives thanks to God because he received something from God. अब यहाँ प्रेरित पौलुस परमेश्वर को धन्यवाद देता है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से कुछ पाया है What did he receive? उन्होंने क्या पाया है? It says,
leads us in triumph. Observe that word triumph. देखिए यहाँ पर हमको जय के उत्सव में लिए चलता है, अर्थात आप वहां पर जय शब्द को आप थोड़ा गौर कीजिएगा. Paul experienced victory in his life. That's why he gives thanks to God. इस संसार में रहते हुए प्रेरित पौलुस ने अपने जीवन में विजय का स्वाद चखा है, इसीलिए वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है. Now three characteristics of this victory Paul explains in this verse or shows in this verse. इस पद में विजय का जय का तीन विशेषताओं को यहां समझाता है. Please observe the word us leads us in triumph. देखिए मसीह में सदा लिए फिरता है हमें, हमें जो शब्द है या हमको जो शब्द है उस पर गौर कीजिएगा. That shows that it is a victory promised to all believers or all Christians. तो कहने का मतलब ये जो जय है वो हर एक विश्वासियों को, हर एक उद्धार पाए हुए लोगों के लिए प्रतिज्ञा किया हुआ है. If necessary, you can underline these keywords which I explain. और अगर संभव है तो आप इन पदों को अंडरलाइन रेखांकित कर सकते हो. Again, he uses the word always. और फिर दूसरा है हमेशा, अर्थात सदा शब्द का इस्तेमाल किया गया है. That means this victory is a victory promised at all times. तो कहने का मतलब ये जो प्रतिज्ञा है वो सब समय के लिए हमें दिया गया है. And finally, he says in every place. और फिर आगे लिखा है हर जगह. So it is a victory promised at all places. तो हर जगह ये प्रतिज्ञा, ये विजय का प्रतिज्ञा हमें दिया गया है. In other words, it is a total victory. तो दूसरे शब्दों में देखा जाए तो ये संपूर्ण जीत है, ये संपूर्ण विजय है. Let me repeat it like this. एक बार फिर मैं इसे इस प्रकार दोहराना चाहता हूँ. It is a victory promised to all believers at all times and at all places. ये वो विजय है जो हर विश्वासियों को हर समय और हर जगह के लिए प्रतिज्ञा किया गया है. Such a fantastic victory is promised by our God. हमारे परमेश्वर के द्वारा ये अद्भुत विजय हमें दिया गया है. Since God has promised victory, you and I can claim this victory in our daily lives. अब इसलिए कि परमेश्वर ने ये विजय हमें दिया है तो हम हमारे आत्मिक जीवन में इसे स्वीकार कर सकते हैं. What about our lives? हमारे जीवन के विषय में क्या है? Can we join with Paul to thank God for the victory we experience every day? पौलुस के साथ साथ हम भी जुड़ करके परमेश्वर को हमें मिलने वाले दैनिक विजय के लिए धन्यवाद दे सकते हैं. Let us think seriously about this. इस विषय पर हम जरा गंभीर रूप से विचार करें. Let me give you one more reference. एक और पद की ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ. Romans 8:37. रोमियो के पत्री 8 अध्याय 37 पद. Romans 8:37. रोमियो के पत्री 8 अध्याय 37 पद. Yet in all these things we are more than conquerors through Him who loves us. लिखा है परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है. रोमियो के पत्री 8 अध्याय 37 पद. Here Paul writes we are more than conquerors or we are completely successful. तो यहाँ प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हम जयवंत से भी बढ़कर है, मतलब जो विजय पाए हैं उन लोगों से भी बढ़कर है, अर्थात संपूर्ण विजय हमें हासिल हुआ है. Please observe the phrase in all these things. अब इस वाक्य पर भी जरा गौर कीजिएगा. लिखा है इन सब बातों में. In which all things Paul referred to by that phrase? इन सब बातों में पौलुस किन सब बातों का विषय को यहाँ उठा रहा है? All these things are mentioned in Romans 8:35. 8 अध्याय 35 पद में वो सारे बातों का जिक्र किया गया है जिन बातों का 37 पद में हम जिक्र पाते हैं. In Romans 8:35, Paul lists 7 things that may cause us to fall and fail in our Christian walk.
रोमियो के पत्री 8:35 में पौलुस उन चीजों का या उन बातों का जिक्र करता है जिनमें हम असफल हो सकते हैं या जिनमें हम पिछड़ सकते हैं। After these things, Paul says, we are more than conquerors or we are totally victorious. और इन सारे बातों का जिक्र करने के बाद पौलुस कहता है कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। So this is also a promise of victory. तो ये भी विजयी का विजय का एक प्रतिज्ञा है। One more verse. एक और पद। 1 Corinthians 15:57. पहला कोरिन्थियों की पत्री 15:57. 1 Corinthians 15:57. पहला कोरिन्थियों की पत्री 15 उसका 57 पद। There Paul speaks about the ultimate victory over sin and death. वहां पर इस पद में प्रेरित पौलुस पाप और पाप के सामर्थ्य के ऊपर हमारा अंतिम विजय के बारे में बातें करता है। Of course, that will literally happen only at the time of rapture when we meet Jesus face to face. ये बातें जब प्रभु यीशु मसीह जब कलीसिया जब उठा लिया जाएगा और हम प्रभु यीशु मसीह से आमने सामने मुलाकात करेंगे तब ये बातें पूरी होगी। But the principle of victory mentioned here is applicable to us today also. लेकिन जिस जीत का जिस विजय का बातें प्रेरित पौलुस यहाँ करता है वो विजय आज भी हमारे जीवन में लागू हो सकता है। That is why this verse is given in the present tense. इसीलिए ये पद वर्तमान काल में लिखा गया है। Paul writes, but thanks be to God who gives us the victory. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें जयवंत करता है। He doesn't write who will give us victory in future. यहाँ पर प्रेरित पौलुस ये नहीं कहता जो भविष्य में हमें विजय देगा। But he writes who he gives us victory every day. वो यहाँ कहता है कि जो हमें सदा विजय प्रदान करता है। Beloved, because of these promises, we also can confidently say that in the coming days and years. We can lead a victorious Christian life. इन प्रतिज्ञाओं को मद्देनजर रखकर के हम ये कह सकते हैं कि हम हमारे आत्मिक जीवन में विजयी मसीही जीवन जी सकते हैं। Now let me quickly move to the next title. मैं अपना अगला बिंदु की ओर जल्दी से बढ़ना चाहता हूँ। We are coming to a more practical session. अभी हम धीरे-धीरे और ज्यादा व्यवहारिक विषय की ओर बढ़ते जा रहे हैं। The title is this, Conditions for Experiencing This Victory. इस जीत को अनुभव करने का वातावरण या माहौल। Or the requirements, the things we have to do to experience the victory promised by our God. तो कहने का मतलब ये जो विजय प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार किया है इन विषयों को समझने के लिए दिए गए शर्त। We have already seen the concept or definition of victorious Christian life. हम लोगों ने विजयी मसीही जीवन का धारणा और उसके विशेषताओं को देखा है। And the characteristics of victorious Christian life. हमने विजयी मसीही जीवन के विशेषताओं को भी देखा है। And the possibility of victorious Christian life. और विजय इस संसार में रहते हुए विजयी मसीही जीवन जीना संभव है इस बात को भी हम लोगों ने देखा। Our God promises victory for each and every Christian. परमेश्वर हर एक विश्वासियों को विजयी बनाने का प्रतिज्ञा करता है। God has planned and prepared everything for us to be victorious in our daily lives. हमारे दैनिक जीवन में विजय प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने पहले से ही योजना बना रखा है। Our God is a God of victory. हमारा परमेश्वर विजय का परमेश्वर। That is what we read in Jude 24. यही बातें हम 2:24 पद में पढ़ सकते हैं। I am not quoting it in full. A part of that I plan to quote. पूरा पद को मैं उद्धृत नहीं करना चाहता, कुछ भाग को मैं उद्धृत करना चाहता हूँ। Now to him who is able to keep you from stumbling.
अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, What does it say? क्या कहता है यहाँ? Our God is able to keep us from stumbling and falling. परमेश्वर हमें ठोकर खाने से और गिरने से बचा सकता है. That is absolutely true. ये बिल्कुल सत्य है. God has promised victory and He is able to keep us stable and safe. परमेश्वर ने हमें विजय बनाने का प्रतिज्ञा किया है और वो हमें उसके प्रति दृढ़ और मजबूत भी खड़ा करेगा. But in order to experience this victory in our daily lives, we also had to do certain things. लेकिन इस विजयी जीवन को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए हमें भी कुछ करना होगा. हमारा भी कुछ कर्तव्य है. Because of all that God has done, none of us would be victorious automatically. जो कुछ परमेश्वर ने किया है उस पर आधारित हम अपने आप विजयी प्राप्त नहीं कर सकते. Do you know the reason? मालूम है कारण क्या है? The reason is this. कारण यह है. There are so many promises in the Bible. बाइबल में बहुत सारे प्रतिज्ञा की बातें हैं. But remember, no promise in the Bible is unconditional. लेकिन ध्यान रखना, बाइबल का कोई भी प्रतिज्ञा बिना शर्त के नहीं है. No blessing in the Bible is unconditional. बाइबल की कोई भी आशीष बिना शर्त का नहीं है. Of course, our God gives everything free of cost. सही बात है. हमारा परमेश्वर हमें सब कुछ मुफ्त में निशुल्क देता है. And the greatest blessing and gift is salvation. That also is free. और परमेश्वर का सबसे उत्तम उपहार हमारा आत्मा का, हमारे प्राणों का उद्धार, ये बिल्कुल निशुल्क है. But we know that even this free salvation is not unconditional. लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये जो हमें निशुल्क उद्धार मिला है ये भी वाकई में निशुल्क नहीं है. What is the condition for obtaining salvation? उद्धार पाने का शर्त क्या है? We have to put our trust in the Lord Jesus. Faith is the only condition for obtaining salvation. उद्धार पाने का जो एकमात्र शर्त है वो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना. In the same way, if you carefully study the promises in the Bible, some conditions are attached to each and every promise. और उसी प्रकार यदि आप बाइबल में दिए गए किसी भी प्रतिज्ञा को पढ़ते हो तो उन सारे प्रतिज्ञाओं में कुछ ना कुछ शर्त लगा हुआ है. For example, Matthew 6:33 is a well-known verse. उदाहरण के लिए मत्ती 6 अध्याय 33 पद बहुत ही परिचित एक पद है. There we read, seek first the kingdom of God and his righteousness, then all these things shall be added unto you. वहां पर हम पढ़ते हैं कि तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी. The second part is the blessing. Often we underline that part. All these things shall be added unto you. इस पद का जो दूसरा भाग है, जो आशीष का भाग है, उसे हम अक्सर रेखांकित कर लेते हैं. But there is a condition before that. लेकिन उस आशीष को हासिल करने के लिए एक शर्त दिया गया है. What is that condition? और वो शर्त क्या है? Only those who seek God's kingdom and righteousness first. जो पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की धार्मिकता की खोज करेंगे उनको ये आशीष मिलेगी. In the same way, everything for victorious living has been arranged by God and prepared by God, but to experience victory, we have to fulfill certain conditions. तो कहने का मतलब हमें विजयी मसीही जीवन जीने भीख मांगता है. This is his usual business for many years. और ये धंधा, अब ये जो काम है वो अपना शुरू से बहुत सालों से करते चले आ रहा है. One day, one of the millionaires of that city happens to come that way. और एक बार ऐसे होता है कि उस शहर का जो करोड़पति है वो उस रास्ते से होकर गुजरता है. He had pity to him and he decided to make this beggar also a millionaire.
और वो करोड़पति इस भिखारी को देखकर तरस खाता है और अपने मन में योजना बनाता है कि वो इस भिखारी को भी करोड़पति बनाएगा। Remember, this is an imaginary story. In actual life, no millionaire will decide like that. तो ये ध्यान रखना, ये एक काल्पनिक कहानी है ये, क्योंकि वास्तविकता में कोई भी करोड़पति दूसरों को करोड़पति कभी नहीं बनाता है। And he asks his name, and then he goes to the nearby bank and puts 10 lakh rupees in the name of this beggar. और ये करोड़पति, इस कहानी में ये करोड़पति उस भिखारी का नाम पूछता है और बगल के बैंक में जाकर के उनके खाते में 10 लाख रुपया डाल देता है। Then he comes back and gives this passbook to this beggar. और फिर वो वापस लौट करके आता है वो करोड़पति, और वो बैंक का पासबुक उस भिखारी के हाथ में देता है। Then this generous man tells him, you see, I have put 10 lakh rupees in your name. This money is your money. You can do whatever you want to do with this money. और ये दयालु करोड़पति व्यक्ति उस भिखारी के पास आकर के कहता है कि देख भाई, मैंने आपके खाते में 10 लाख रुपया जमा किया है, अब ये पैसा आपका है, आप जैसे चाहते हो वैसे इसको खर्च कर सकते हो। This beggar is all the more happy. He says thanks to this generous rich man. Then at that evening he goes back home. और ये भिखारी इस कृत्य को देख करके काफी काफी प्रसन्न हो जाता है और उसे धन्यवाद देते हुए शाम को अपने घर पहुंचता है। But on the next day morning, as usual, he comes back and sits at the same place and does his work of begging. लेकिन अपने नित्य कार्य के अनुसार, अपने स्वभाव अनुसार, वो फिर अगले सुबह अपना भीख मांगने का कटोरा लेकर के उसी जगह पर आकर फिर बैठ जाता है। But today there is a small difference. लेकिन आज थोड़ा सा अंतर है। He holds that passbook in his left hand firmly, and he holds the beggar's bowl in his right hand and does the work of a beggar. और वो अपना 10 लाख रुपए का जो खाता है उसको अपने एक हाथ में पकड़ता है और बहुत ही दृढ़ता से पकड़ता है, और दूसरे हाथ में भीख मांगने वाला कटोरा पकड़कर लोगों से भीख मांगता है। So far you heard the story, now let me ask you a question. अभी तक तो आप कहानी सुन रहे थे, अब आप जवाब दीजिएगा इस सवाल का। I think some of you have to show unmute the video, then only I can see your faces and ask questions. आप में से कुछ लोगों को अपना वीडियो और अपना ऑडियो ऑन करना होगा, तभी मैं आपका चेहरा देखकर आप लोगों से जवाब सुन सकता हूँ। Anyway, please don't unmute your audio, only video. I want to see your face. तो ऑडियो अनम्यूट ना कीजिएगा, सिर्फ वीडियो अनम्यूट, वीडियो ओपन कीजिए ताकि मैं आपको देख सकूं। Anyway, you need not tell the answer loudly. You just think about the answer. The question is this: what about this man? Is he a beggar or a millionaire today? और आप, सवाल आपके लिए यह है, आप इसे अपने मन में अपने लिए थोड़ा जवाब दीजिएगा। अब आप मुझे बताइए कि ये जो भिखारी आज बैठा हुआ है, आपको क्या लगता है, ये भिखारी है या लखपति है? If I ask that question, some of you may say he is still a beggar, some others may say he is a millionaire, and some others may say he is a millionaire beggar. और आप में से, अगर ये सवाल मैं आप लोगों से पूछूं, तो आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ये नहीं, आज भी ये भिखारी है, नहीं, कुछ लोग कहेगा नहीं नहीं ये लखपति है, कुछ लोग कहेगा नहीं नहीं ये लखपति भिखारी है। Why there is such a difference in answers? अब इस एक सवाल के जवाब इतने अलग अलग और इतने भिन्न भिन्न क्यों है? Who was he till yesterday? कल तक ये कौन था? There is only one answer, he was a beggar. और इस सवाल के जवाब में एक ही जवाब हमें मिलेगा, और वो था, ये कल तक भिखारी था। सब लोग इसमें सहमत होंगे। Today who is he? और आज ये कौन है? Let me give you the correct answer. मैं सही जवाब देने का प्रयास करता हूँ। Listen to me carefully. जरा ध्यान से सुनिएगा। In principle he is a millionaire, but in practice he is still a beggar. अगर सिद्धांतिक रूप में देखेंगे, सैद्धांतिक रूप में देखेंगे, तो वो आज लखपति है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो आज भी भिखारी है।
since he has 10 lakh rupees in his account, he is a millionaire in principle or in theory. अगर सैद्धांतिक रूप से देखेंगे, अब इसीलिए कि इसके खाते में 10 लाख रुपया है, हम इसे लखपति कह सकते हैं. But what is he doing today? लेकिन लखपति होने के बावजूद वो आज क्या कर रहा है? He is doing the work of a beggar. वो एक भिखारी के समान भीख मांगने का काम कर रहा है. So in practice, he is still a beggar. तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो आज भी भिखारी है. Have you ever seen such beggars in your place? क्या आपने कभी अपने जगह पर ऐसा भिखारी को देखा है? May not be. शायद संभवतः आपने नहीं देखा होगा. But let me tell you a truth. There are so many millionaire beggars in the church or in the Christian world. लेकिन मैं आपको ये बताकर ताज्जुब करना चाहता हूं कि परमेश्वर के कलीसिया में ऐसे बहुत सारे लखपति भिखारियां हैं. I have to tell you a truth. Most of us are millionaire beggars. मैं आपको एक और वास्तविकता की तरफ ले जाना चाहता हूं और वो ये है कि हम में से अधिकांश लोग लखपति भिखारी है. Have you ever seen a spiritual millionaire beggar? क्या आपने कभी आत्मिक लखपति भिखारी को देखा है? If not, after leaving the meeting, when you go back, you have to take a mirror and look at it. At least one millionaire beggar spiritually you will see. अगर आपने अभी तक अपने जीवन में आत्मिक लखपति भिखारी को नहीं देखा है, तो ये मीटिंग खत्म होने के बाद सोने से पहले आईने में अपना शक्ल जरूर देख लीजिएगा. तब आपको कम से कम इस दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति दिखाई देगा जो कि आत्मिक रूप से लखपति भिखारी है. Beloved, I didn't mention this in order to criticize you. This is the reality in the lives of all of us, including me. ये बातें मैं आपका आलोचना करने के लिए नहीं कह रहा हूँ. ये एक वास्तविकता है जिसमें मैं भी शामिल हूँ. Many a time we behave like millionaire beggars. कई बार अपने आत्मिक जीवन में हम भी एक लखपति भिखारी के समान व्यवहार करते हैं. On Sundays we are spiritually rich. We will hold our passbook, the Bible, and say we are saints. इतवार के दिन, रविवार के दिन हम आत्मिक रूप से बहुत लखपति हैं. हम हमारे बाइबल रूपी पासबुक को पकड़ के, खाते को पकड़ के कहते हैं कि हम बहुत आत्मिक हैं. But what about our lives on other days? लेकिन रविवार के अलावा बाकी के दिनों में हमारा जीवन कैसा है? Beloved, when we put our trust in the Lord Jesus Christ, प्रिय, जब हमने हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर रखा है, God put the righteousness of Jesus Christ in our personal account. तब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता हमारे व्यक्तिगत खाते में जोड़ देता है. That is why the Bible calls each believer by the name saint. इसीलिए बाइबल में हर एक विश्वासियों को संत करके पुकारा गया है. The righteousness we got from Jesus at the moment of salvation is called imputed righteousness or accounted righteousness. जो धार्मिकता हमारे मन फिराने के दौरान प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमें मिला है, उस धार्मिकता को हम कहते हैं कि हमारे खाते में जोड़ा गया परमेश्वर का धार्मिकता. But this imputed righteousness should become imparted righteousness in our lives. Imparted means something part and parcel of our lives. अब ये जो हमारे जीवन में जोड़ा गया धार्मिकता है, ये सिर्फ जोड़ा हुआ ना हो करके ये हमारे जीवन का एक हिस्सा, ये धार्मिकता हमारे जीवन का एक हिस्सा हो जाना चाहिए. So far I have been explaining the need of fulfilling certain conditions for experiencing victory in our daily lives. हमारे आत्मिक जीवन में विजय हासिल करने के कुछ शर्त को मैंने आपके सामने अभी तक रखने का प्रयास किया है. Now we will come to the requirements of victory or the conditions.
अब हम शर्त या फिर उसके आवश्यक सामग्री, आवश्यक तत्वों की ओर हम आगे बढ़ेंगे। I will just mention the first condition and explain a few things, and within 5 minutes I will wind up. और अगले 5 मिनट में मैं बंद करने का प्रयास करूंगा, सिर्फ इस विषय का पहला बात को ही हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। The first and foremost condition for obtaining victory is we have to desire earnestly for victory. विजय मसीही जीवन जीने का जो सबसे पहला आवश्यकता हमारे अंदर है, हमारे अंदर होनी चाहिए, वो ये है कि हमारे अंदर इस विजय को हासिल करने का एक दृढ़ संकल्प, एक दृढ़ इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए। Without an earnest desire for victory, none of us can be victorious in our Christian life. एक दृढ़ संकल्प बिना, दृढ़ जिज्ञासा बिना हम हमारे आत्मिक जीवन में कभी भी विजय हासिल नहीं कर सकते। Remember, this is a basic principle for obtaining any blessing from God's hand. अब याद रखना कि ये परमेश्वर की ओर से कोई भी आशीष को पाने का ये बुनियाद है। We know that before Jesus healed many sick people, he invariably asked them a question. हम जानते हैं कि यीशु मसीह किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बीमार व्यक्ति को चंगा करने से पहले वो उनसे एक सवाल पूछा करते थे। One good example is John 5:6. और उनमें से एक उत्तम उदाहरण यूहन्ना 5:6 है। There before healing that person who was sick for 38 years, Jesus asked him a question. 38 साल से पड़े हुए उस बीमार व्यक्ति को चंगाई देने से पहले यीशु मसीह उनसे एक सवाल पूछते हैं। He asked him, "Do you want to be healed?" तुम क्या चंगाई प्राप्त करना चाहते हो? Jesus knew very well that this man was lying down there for 38 years for obtaining healing. और प्रभु यीशु मसीह इस बात को बखूबी जानते थे कि पिछले 38 साल से यह बंदा, यह बीमार बंदा यहाँ पर चंगाई प्राप्त करने के लिए पड़ा हुआ है। Still he asked the question, "Do you want to be healed?" फिर भी वो ये सवाल पूछता है कि क्या तू चंगा पाना चाहता है? Why did Jesus ask this question? यीशु मसीह ने यह सवाल क्यों पूछा? That is for provoking his thinking and waking up his willingness to be healed. अब ये सवाल प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए उसको इसलिए पूछा ताकि वो उसे उसका सके और उसके अंदर एक स्वेच्छा उत्पन्न कर सके। So let me quote one verse and by that I'll finish. This in Matthew 5:6 we read, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled or satisfied." मत्ती रची सुसमाचार उसका 5:6 को हम पढ़ करके समाप्त करेंगे। लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मत्ती 5:6। Jesus speaks about practical righteousness or holiness. यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह व्यवहारिक पवित्रता का या फिर व्यवहारिक धार्मिकता का विषय को स्पर्श करना चाहता है। Who will be filled or satisfied with righteousness? धार्मिकता के द्वारा कौन तृप्त किया जाएगा? Yes, those who hunger and thirst after righteousness. ये वे लोग हैं जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। Hunger and thirst is the physical condition of a person who has not taken food and water for many days. भूख और प्यास ये मानवीय स्वभाव है और ये उन लोगों का स्वभाव है जिन्होंने काफी दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है। So that word hunger and thirst shows our consuming passion for righteousness or our earnest desire for righteousness. तो ये भूख और प्यास हमारे अंदर एक तीव्र इच्छा का एक छवि है, एक चित्र है ये। Jesus said, only if we cultivate such a hunger and thirst, we can experience victory in our day-to-day living. और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जब हमारे अंदर ऐसे ही एक भूख और ऐसे ही एक प्यास होगी, तभी हम विजयी मसीही जीवन का अनुभव कर सकते हैं।
Yes, I am stopping it here abruptly. We'll continue this tomorrow. मैं इसे यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं. प्रभु का अनुग्रह रहा तो हम कल फिर यहीं से आगे बढ़ेंगे. I am not repeating whatever we have learned today. जो कुछ हम लोगों ने देखा उसे मैं दोहराना नहीं चाहता हूं. But you have to go through the notes and come prepared for tomorrow's class, and that will be the final class of this series. और जो कुछ हम लोगों ने आज सीखा है उन्हें आप एक बार फिर दोहरा करके कल तैयार मन के साथ आइएगा. और कल का दिन हमारे इस अध्ययन के श्रृंखला का अंतिम दिन होगा. Thank you for your patient listening. May God bless you and help you to join tomorrow's meeting also. बहुत आप लोगों के ध्यान पूर्वक सुनने के लिए बहुत